शीतलहर से फसल खराबे की गिरदावरी करा किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग। दीदवाना कड़कड़ाती ठंड और पाले की वजह से रबी की फसल को काफी नुकसान हुआ है। क्षेत्र में पिछले दिनों से पाले की मार झेल रही इन फसलों में जीरा और ईसबगोल की फसल में सबसे ज्यादा खराब हुई है। फसल खराबे की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। कई स्थानों पर जीरा और ईसबगोल की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। इसी को देखते हुए भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा के साथ एक दल ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर फसलों का जायजा लिया और किसानों से जानकारी ली। जोधा के साथ एक प्रतिनिधि मंडल ने डीडवाना उपखंड अधिकारी जितू कुलहरी से मुलाकात कर क्षेत्र में विशेष गिरदावरी करवाने के साथ ही इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को किसानों को जायज मुआवजा दिलवाने की मांग की है। उपखंड अधिकारी जीतू कुलेरी ने बताया कि खराबा मौसम की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए जिला कलेक्टर के आदेश पर पटवारियों और गिरदावरों को विशेष गिरदावरी के निर्देश दे दिए गए हैं और इंश्योरेंस कंपनी से किसानों को उनके नुकसान की पूरी भरपाई की कोशिश की जाएगी। बाइट जितेंद्र सिंह जोधा भाजपा नेता, बाइट जीतू कुलेरी उपखंड अधिकारी डीडवाना। हमारे डीडवाना और आसपास के क्षेत्र में पिछले दो तीन दिन से जिस प्रकार से सर्दी पड़ी है, पाला पड़ा है, हमारे किसानों की सरसों की और ईसबगोल की फसल लगभग नष्ट हो गई। कल मैं विभिन्न गांवों के दौरे पे गया था और किसानों से मिला था, तब वास्तव में स्थिति बड़ी ख़राब है और लोगों की फसलें बर्बाद होने से किसानों के चेहरे पर बहुत मायूसी है। और आज मैं अभी उपखंड अधिकारी महोदय के पास जाकर हम लोग मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि पटवारियों को सबको भेजकर जो खराबा हुआ उसका आकलन करके और जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये बताएं और इंश्योरेंस कंपनी में हमारे किसानों का क्लेम करवाएं। पिछली बार भी जब मूंग की हमारी फसल ख़राब हुई थी तब हमारे किसान ठगा रह गया था, उसको किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिला। तो आज हम ये सब लोग मिलकर, क्योंकि फिर कहीं हमारा किसान धोखे में नहीं रह जाए, इसलिए हम SDM महोदय से मिलेंगे, बीमा कंपनी से मिलेंगे और तुरंत टीमों को रवाना करके पटवारियों से गिरदावरी रिपोर्ट मांग के खराबे का आकलन करवा कर किसानों को उचित मुआवजा मिले, किसानों को उचित अपने बीमा राशि का क्लेम मिले, इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। अगर इस प्रकार से सरकार इसमें सक्रिय होकर संवेदनशीलता नहीं दिखाती है तो हम इसके बाद इसके लिए एक आंदोलन किसानों के साथ मिलकर खड़ा करेंगे और कांग्रेस सरकार को ये आगाह कराएंगे कि जो बीमा क्लेम की राशि किसानों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। वर्तमान में जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, शीतलहर है वो काफ़ी प्रभावी है सभी एरियाज में, जिससे फसलों को वास्तविक रूप से नुकसान हुआ भी है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो किसान हैं उनकी रेल में हेल्प हो और प्रतिनिधि मंडल है उनका भी यही रिक्वेस्ट था। उस पर हमारे माननीय जिला कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार विशेष गिरदावरी हेतु पटवारियों को हमारे तहसीलदार साहिबान को निर्देशित पहले किया जा चुका है और बीमा कंपनी से संबंधित जो भी क्लेम है और जो भी उनकी सहायता है वो किसानों की पूरी तरीके से की जाएगी। उनके क्लेम रजिस्टर करवाने की पूरी प्रयास की जाएगी जिससे उनको उनके फसल जो खराबा हुआ है उसके नुकसान का पूरा भरपाई मिल पाए। धन्यवाद।